Hello all, we are discussing friend function. Friend function is a special function that is a non-member function but has a special privileges to access the private or protected members of a class to which it is defined as friend. The friend function ek external function, ek non-member function hai. Non-member function hote hue bhi use special permissions hoti hai us class ke private ya protected members ko access karne ki jis class ka ye friend declare है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इस लेक्चर में हम फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस एग्जांपल में हम एक ऐसा एक फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं जो एक सिंगल फ्रेंड फंक्शन होगा फॉर अ सिंगल क्लास। स्टेटमेंट कहते हैं डिफाइन, वी विल डिफाइन अ क्लास कॉम्प्लेक्स. For that, we will define a friend function which will add two complex objects and will return the added complex number. इस example में हम complex class के लिए एक friend function define करने वाले हैं जो दो complex objects को accept करेगा और उन्हें add करके जो resultant complex object होगा उसे return करेगा, लौट आएगा. So let us define the class diagram. तो we'll be having complex class और इस complex class में हमारे पास private section में रियल एंड इमेजिनरी मेंबर्स होंगे। मेंबर फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट मेंबर फंक्शन विल बी गेट कॉम्प्लेक्स टू रीड द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अनदर फंक्शन विल बी पुट कॉम्प्लेक्स विच विल जस्ट डिस्प्ले द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड देन विल टॉक अबाउट द फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन में हमने क्या करना है, तो जैसे कि बात हुई, सबसे पहले आपको फ्रेंड कीवर्ड यूज करना होगा एंड देन रिटर्न टाइप। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ऐड करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही लौट आएगा, इसीलिए इसका जो रिटर्न टाइप होगा खुद कॉम्प्लेक्स ही होगा। एंड देन नेम ऑफ फंक्शन ऐड कॉम्प्लेक्स, और यहां पर अब हमें दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट भेजना होगा जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है। सो विल राइट कॉम्प्लेक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्लास होगी और दिस विल बी द क्लास स्ट्रक्चर। ये तीन फंक्शंस हम यहाँ पर डिफाइन करने होंगे एंड दिस विल बी द प्राइवेट सेक्शन एंड दिस विल बी द पब्लिक सेक्शन। तो स्टार्टिंग विद द क्लास डिक्लेरेशन, सबसे पहले आई विल डिफाइन द क्लास कॉम्प्लेक्स एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स क्लास सबसे पहले मैं प्राइवेट सेक्शन ओपन करता हूँ और प्राइवेट सेक्शन में हमारे पास रियल और इमेजिनरी ये दो मेंबर्स होंगे और पब्लिक सेक्शन में हम इन्हें यहां पर डिक्लेयर करते हैं मेंबर फंक्शन के साथ साथ फ्रेंड फंक्शन को। सो जैसे कि बात हुई थी, फ्रेंड फंक्शन को आपको पहले डिक्लेयर करना है, फिर क्लास के बाद हम उसे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हम लोग मेंबर फंक्शन को भी क्लास के अंदर पहले डिक्लेयर करते थे और फिर क्लास के बाद हम डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद, तो फर्स्ट फंक्शन इज वॉइड गेट कॉम्प्लेक्स। Then the second function will be, that is the member function, put complex, और जो तीसरा function होगा वो friend function होगा। Let us declare that. तो जैसे बात हुई, keyword friend will be used, और जैसे ही आपने friend keyword लगाया, system को ये समझ में आएगा या उसे informed रहेगा कि ये friend function है, external function है, फिर भी उसे member की access दी जाए। Then this function will return the complex number, that is the added resultant complex number. So return type will be complex itself. Then the name of function is add complex. And then चूंकि ये दो complex object को accept करेगा, इसलिए मुझे यहां पर लिखना होगा complex comma complex. और ये तो हमने property में भी discussion किया था कि normally the objects are passed as argument. आगे हम इसे और डिटेल में डिस्कशन में आएगा ही आएगी ये बात। और दिस विल बी द टर्मिनेशन ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन। नाउ एक एक करके इन फंक्शंस को हम यहाँ पर बाहर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले गेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गेट कॉम्प्लेक्स मेंबर फंक्शन है, हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज करेंगे। सो वॉइड द नेम ऑफ क्लास इज कॉम्प्लेक्स, देन वी विल यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज गेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल जस्ट input the complex number. So I'll just flash the message C out, enter real and imaginary part or complex number, and I'll see in that
in real and imaginary. So this will be the simple function. Now another function will be put complex. So hum use define karte hain, ye bhi ek member function hai, so return type. Then the name of class, that is complex. Then scope resolution operator, then the name of function, that is put complex. And this will display the complex object like that, to see out real. और साथ में हम इसे इमेजिनरी पार्ट को भी डिस्प्ले कराएंगे, दैट इज इमेजिनरी. सो इस तरीके से हमने ये दो मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया है. अब बारी है फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने की. स्टार्ट करते हैं. अब आप जब इसे क्लास के बाहर डिफाइन करें तो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें ये मेंशन भी किया है कि चूंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है इसलिए जब आप इसे क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने की कतई जरूरत नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉम्प्लेक्स. देन द नेम ऑफ फंक्शन, एड कॉम्प्लेक्स. एंड देन As we want to add two complex objects, हम दो complex object को add करना चाहते हैं तो complex object को हमें accept भी करना होगा. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ complex C1, complex C2. जब हम friend function की properties पढ़ रहे थे, discuss कर रहे थे, उस समय हमने कहा था कि भले ही friend function को उस class के member को access करने की permission है लेकिन वो directly उन members को access नहीं कर सकता, वो उन मेंबर्स को ऑब्जेक्ट की मदद से ही एक्सेस कर सकता है. इसीलिए जिन ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को आपको एक्सेस करना है उन ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्गुमेंट आपको फ्रेंड फंक्शन में पास करना ही होगा. तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है. नाउ यहाँ पर बात करते हैं, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपका सी वन होगा और ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सी टू होगा, जिसमें दोनों में ही रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास होंगे. और इन दोनों ही को ऐड करके हमें एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए मुझे एक और टेम्पररी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना होगा. आई विल नेम इट एज सी थ्री. सो लेट अस डिफाइन दैट. तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स सी थ्री. नाउ ये सी थ्री होगा और अब मुझे इनको ऐड करना है, और ऐड करने के लिए सी वन का रियल पार्ट विल बी एडेड विद सी टू रियल पार्ट एंड दैट विल बी असाइन टू द सी थ्री रियल पार्ट. सो आई विल हैव टू राइट सी थ्री डॉट real is equal to c1 dot real plus c2 dot real like that. इसी तरीके से मुझे c1 का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसे, सॉरी दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी. सो फॉर इमेजिनरी पार्ट आई हैव टू एड c1 इमेजिनरी विद c2 इमेजिनरी एंड हैव टू असाइन इट टू c3 इमेजिनरी. सो आई राइट c3 dot imaginary is equal to c1 dot imaginary plus c2 dot imaginary. इस तरीके से दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होके c3 ऑब्जेक्ट में मेरे पास अवेलेबल होंगे और अब मुझे इस c3 ऑब्जेक्ट को यहां से रिटर्न करना है और उसके लिए आई हैव टू राइट रिटर्न c3. इस तरीके से जो एडेड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा. और रिटर्न टाइप हमने कॉम्प्लेक्स इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ सी थ्री रिटर्न हो रहा है और सी3 कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए रिटर्न टाइप भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स. सो इस तरीके से हमने पूरी क्लास डिफाइन कर दी. अब हम इस क्लास के जितने भी फंक्शंस है और जो फ्रेंड फंक्शन है उसे यूज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द मेन फंक्शन. सो आई विल राइट वॉइड मेन और इस मेन फंक्शन में मैं कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ. लेट्स सी फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सी वन कॉमा सी टू कॉमा सी थ्री. तो थ्री ऑब्जेक्ट्स आई हैव क्रिएटेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉपुलेट. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सी वन को हम पॉपुलेट कर देते हैं. इसके लिए मैं इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को यहां पर ड्रॉ भी कर देता हूं. मान लेते हैं ये पहला कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है सी वन. नाउ हियर यहां भी हमने सी वन लिया है और यहां पर भी हमने सी वन लिया है, बट जैसे कि आपको पता है दोनों ही के स्कोप अलग अलग है, इसलिए ये C1 जो इस स्कोप में है वो यहाँ पर है और इस मेन के स्कोप में जो C1, C2, C3 है उन्हें मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. मेन के स्कोप में C1, देन सेकंड इज C2, दैट इज इन द स्कोप ऑफ मेन, और फिर एक C3, दैट इज C3. तो C1, C2 एंड C3. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेट दिस C1. उसके लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, तो C1 डॉट I'll write get complex. और जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा
गेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रियल और इमेजनरी पार्ट्स हमें एक्सेसिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर ये रियल और इमेजनरी जो लिखे गए हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि C1 का रियल, C2 का रियल या C3 का रियल। तो ये हमें पता है कि किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है C1, उसके लिए ये रियल और इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पर जो रियल इमेजनरी होंगे वो C1 के लिए होंगे। मान लेते यूजर ने वैल्यू 2 और 3 दी हो, फॉर एग्जाम्पल रियल और इमेजनरी के लिए, तो यहाँ C1 में 2 और 3 आ जाएगा। यही डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन के केस में भी थोड़ी देर बाद। अब हम C2 ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ C2.getComplex और इस तरीके से सेकेंड ऑब्जेक्ट C2 भी पॉपुलेट हो जाएगा। मान लेते हैं वैल्यू 1 और 4 यूजर देता है तो ये पॉपुलेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ऐड करना है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ऐड कॉम्प्लेक्स। कैसे? तो फ्रेंड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने बात की कि फ्रेंड फंक्शन चूंकि मेंबर फंक्शन नहीं है इसीलिए उसे कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और डॉट लगा के उसे कॉल करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप सीधे फंक्शन को कॉल करेंगे एंड द नेम ऑफ फंक्शन इज एड कॉम्प्लेक्स। सो हियर एड कॉम्प्लेक्स इज द नेम ऑफ फंक्शन और इसमें आपको उन दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट भेजना पड़ेगा जिन्हें आपको ऐड करना है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर C1 एंड C2, सो आई विल पास देम। और इस तरीके से हमने यहाँ C1 और C2 ऑब्जेक्ट्स को इस ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पास कर दिया। होगा ये कि जब ये फंक्शन यहाँ इन्वोक होगा दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ऐड होंगे और बदले में एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न होगा और उस रिटर्न्ड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को वी विल स्टोर इन दिस C3 ऑब्जेक्ट। सो लेट अस डिस्कस कि वैल्यूज यहाँ पर क्या रिटर्न होके आई। तो यहाँ हमने ये देखा कि फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन के इन्वोकेशन में क्या डिफरेंस है। मेंबर फंक्शन को इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंबर फंक्शन नहीं है। एक डिफरेंस हमने ये भी देखा कि फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास का फंक्शन है ही नहीं। इस तरीके से आगे चलते हैं ना। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हम यहाँ होंगे, ये यहाँ का जो C1 है वो यहाँ C1 में एक्सेप्ट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर C1 में 2 और 3 है तो यहाँ C1 में 2 3 आएंगे। यहाँ का जो C2 है वो यहाँ C2 में एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ यदि 1 और 4 है तो C2 में 1 और 4 आ जाएंगे। सो वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट्स विद वैल्यूज। फिर उसके बाद यहाँ पर C3 बना एंड देन C1.real। फिर से प्रॉपर्टी, फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी, फ्रेंड फंक्शन में रियल और इमेजिनरी ये जो मेंबर्स है दे आर एक्सेसिबल बट डायरेक्टली नहीं। यहाँ इस फ्रेंड फंक्शन में मैं यहाँ खुला रियल या खुला इमेजिनरी बिल्कुल नहीं लिख सकता। जैसे कि खुला रियल और खुला इमेजिनरी इस मेंबर फंक्शन में लिखा है, फ्रेंड फंक्शन में आप खुला रियल और खुला इमेजिनरी नहीं लिख सकते। आपको इसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना होगा। यहाँ देखिए इस रियल को हमने C1 के साथ जोड़ा है तो C1.real आप ये लिख सकते हैं, लेकिन खुला रियल नहीं लिख सकते। दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो दैट इज द प्रॉपर्टी कि फ्रेंड फंक्शन एक्सेस तो कर सकता है बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आई क्रॉस इट। तो यहाँ देखिए जिन भी ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेस करना है, जिन भी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को आपको एक्सेस करना है उनको एज अ आर्ग्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा। ये भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए C1 का रियल दैट इज 2 एडेड विद C2 रियल दैट इज 1, 2 प्लस 1 3, तो C3.real विल बी 3 एंड देन C1 इमेजिनरी इज 3 प्लस एडेड विद C2 इमेजिनरी दैट इज 4, 3 प्लस 4 दैट इज 7 विल बी असाइंड टू C3.imaginary एंड इट विल बी 7 एंड फाइनली आई विल रिटर्न दिस C3। तो C3 पूरा ऑब्जेक्ट यहां से लौट के आएगा और यहां इस C3 में स्टोर होगा और इस तरीके से C3 में यहां पर 3 और 7 स्टोर होगा। और अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है और प्रिंट कराने के लिए फिर से मैं एक मेंबर फंक्शन को कॉल करता हूं दैट इज पुट कॉम्प्लेक्स और इस तरीके से आपका रिजल्टेंट एडेड कॉम्प्लेक्स यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस विल बी द मेन फंक्शन। तो इस एग्जांपल के दौरान हमने फ्रेंड फंक्शन की वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, पहले स्टडी की है, उन्हीं को हमने यहां पर रिवाइज भी की है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ सिंगल क्लास। In next example, we'll discuss a single friend function friend of multiple classes. Thank you.